صلي على شفينا، صلي على محمد. سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں، اساسہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، میرا امروز میرا فردا، ضمیر پر حاشیے اسی کے شعور بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اسی کے قدموں میرا میری اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عزب ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے،
ये तेरा आशिक है वारसी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। सियाहियाँ मुझ में, दाग मुझ में, जले उसी के चराग मुझ में, असासाए कल्ब जा वो ही है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। प्रोफेसर साहब, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, आपकी इजाज़त से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया सर। आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब फ्राम ऑल द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ टूडेज़ प्रोग्राम एंड फ्राम द जुनियर इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज and management and all of my students and from Faisalabad as well. इस वक्त I know कि बहुत सारे लोग माशाल्लाह फैसलाबाद के अलावा पूरे पंजाब से लोग आ चुके हैं। इस वक्त rather I should say कि पूरे पाकिस्तान से लोग तशरीफ लेकर आए हैं। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर वेलकम करती हूँ। दावत देना, उसको अब तो टेक्नोलॉजी ने चीज़ें बहुत आसान कर दी। फेसबुक पर देना, उसको शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना, इनविटेशंस, फ्लैक्सेस, बैनर्स, होर्डिंग्स, सबके ज़रिए पूरे शहर को और पूरे पाकिस्तान को इनवाइट किया गया। लेकिन इस तरह की महफिल में आना, बैठना, सुनना, इसके तकाजे पूरे करना, ये किस्मत वालों को नसीब होता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम साथियों का, उन तमाम ऑर्गेनाइज़र्स का जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने में हमारी बहुत मदद की। हमेशा की तरह पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब का मैं इंट्रोडक्शन दूँ। तो आज जब इसके बारे में बात हो रही थी तो सर मैंने ये अर्ज़ किया ऑर्गेनाइज़र्स को कि ये सब लोग तारुफ़ जान कर ही यहाँ बैठे हैं। ऐसा ही है ना, आप लोगों के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तारुफ है, लेकिन मैं बस दो चार बातें करके इसको मुख्तसर करूँगी क्योंकि मुझे मकबूल साहब भी घूर घूर के देख रहे हैं कि टाइम थोड़ा लेना है। एक जनरल परसेप्शन है जो आम पब्लिक की परसेप्शन है। मेरा ख्याल है जब भी किसी अजीम शख्सियत का तारुफ करवाना होता है तो एक पब्लिक ओपिनियन है और एक जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो उस शख्सियत के साथ एक परसेप्शन वो होती है। तो मैं चाहूँगी कि मैं दोनों ही आपके साथ शेयर करूँ। पब्लिक परसेप्शन कहाँ से हम हासिल कर रहे हैं? अगर बहुत सारे लोग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग YouTube पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग Facebook पे CDs, बुक, ये तमाम का तमाम मटेरियल, तमाम का तमाम मवाद जो है वो प्रोफेसर साहब का एक जामे तारुफ पेश करता है। और आज के दौर में जब स्पेशली आज की जनरेशन को हम ये बात करते हैं कि आए बेटा लेक्चर सुनने जाना है, आए आपको कुछ दिन की बात करें, तो हमने ये देखा, जनरल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि बच्चे स्पेशली ये जनरेशन यूथ जो है वो दूर भागती है। इसको जब एनालिसिस करते हैं तो जुब्बा और दस्तार, बड़े बड़े अलकाबात और गद्दी नशीनी और इस तरह के तसव्वुरात जब बच्चों के सामने आते हैं और प्रैक्टिस में है मुआशरे में, तो बच्चे आज का दौर का बच्चा जो कि एक फास्ट पेस दौर में जा रहा है, जिसको ये पता है कि मेरे एक क्लिक से दुनिया पूरी की पूरी मेरे सामने खुल रही है, उसको जब आप मुश्किल रास्तों पर डालने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त वो बच्चा दीन की तरफ रागब होने की बजाय वो दूर भागता है कि जब एड्रेस करने वाले आलम साहब जो होंगे
उनको ही जब देखा जाएगा तो लगेगा कि नहीं, मेरा तो दोजख में जाना यकीनी हो गया है, मैं इतना गुनाहगार हूँ। मैं तारुफ में यही कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह प्रोफेसर साहब अपनी किताबों के ज़रिए, अपने लेक्चर्स के ज़रिए आज के दौर के डायरेक्शन लेस इंसान, डायरेक्शन लेस यूथ की रहनुमाई कर रहे हैं और उनको अल्लाह के दीन की तरफ बड़े आसान तरीके से दावत दे रहे हैं, एक आम फहम तरीके से जिसको एक लेमैन भी बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता है। अल्लाह ताला को इस सोसाइटी में एज अ टॉप प्रायोरिटी मुतारफ़ कराने का जो सारे का सारा किरदार है वो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब को जाता है। और अगर मैं बात करूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, मैंने कहा था दो तरह का तारुफ होगा, तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग बड़े सालों से काम कर रहे हैं और 2014 rather it was a blessed year for me and my family के मुझे लोगों ने कहा कि क्या हुआ है मैडम, आप में बड़ी तब्दीली आ गई है। वो तब्दीली दूसरी वाली तब्दीली नहीं है जो आजकल आ रही है, असली वाली तब्दीली। और क्या है, मैंने ये फाइंड आउट किया, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये रहा कि अल्लाह के साथ आपकी अलाइनमेंट दी जाती है, आपको अल्लाह के साथ अलाइन किया जाता है, जहां हम अल्लाह से बहुत दूर हो चुके होते हैं आपको वहां डायरेक्शन दी जा रही है कि आपकी टॉप प्रायोरिटी अल्लाह है और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। तो तस्बीहात, तस्बीहात के सिलसिले में माशाल्लाह से बच्चों से जब बात हुई कि इस तरह से लेक्चर है, बच्चों ने कहा वो डॉट्स एंड डैशेस का तसव्वुर हमें बड़ा दिल को लगा है। तो कहने का मकसद ये कि बच्चों ने सुना और फिर ये बातें हुई। तो वो जो आपको, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि लोगों को फतह करने के लिए ज़रूरी नहीं है उन्हें शिकस्त दी जाए, उनके दिल फतह किए जाएं। प्रोफेसर साहब, बड़ी इज्जत और एहतराम से कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको उस मोहब्बत से नवाजा है जो आपने लोगों तक ट्रांसफ़र कर दी है, और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को मुसख़र कर चुके हैं, आज की हाज़िरी ये बता रही है। इंशाल्लाह हम इस पर भरपूर अमल करने की कोशिश करेंगे और आपके समातों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से, सर प्लीज़ आज के टॉपिक कॉलो फेल और फिक्र पे हमें कुछ रोशनी मुहैया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आउज़ बिल्लाह अस्समीअलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे अदखिलनी मुदखला सिदकिन वाखरिजनी मुखरजा सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाजिर हजरात, इतने खूबसूरत तारुफात के बाद और एक अच्छी जगह बैठने के तवसुल से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाजिर हजरात, हम बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात अलग-अलग करते हैं और रिलीजियस पेरेंटेज ज़रा जुदा होती है। कुरान हकीम में हमें कहा गया कि तुम सब अपने बाप इब्राहिम की औलाद हो, मिल्लत हो, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम सब अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत हो। व सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, हमने एग्री कर लिया, अल्लाह ने कहा हमने एग्री कर लिया कि तुम मुसलमान। एक सोचने की बात यह है कि एक टाइटल, एक ओहदा, एक नाम जो हमें खुदा की तरफ से मिला, हम उसमें दूसरे टाइटल क्यों ऐड कर देते हैं?
हम जुज़वी मामूली अर्थली टाइटल्स क्यों शामिल कर देते। एक बहुत बड़ा नाम जो अल्लाह के हुजूर से और अपने आबा व अजदाद के रसूख से हमें मिला, जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तवसल से मिला, हम उसमें अपने छोटे छोटे टाइटल क्यों ऐड कर देते हैं? मैं हम अपने मनासिब क्यों उसमें ऐड कर देते हैं? अपने स्कूल क्यों ऐड कर देते हैं? वो तो बहुत बड़ा सुकून, एक वहदत का और मवद्दत का और मोहब्बत का एक बहुत बड़ा टाइटल, बहुत बड़ा जो हमें इख्तियार और इक्तदार मिला है। हम क्या अकली तौर पे इतने महजून हो गए हैं कि ज़रूर हमने एक इंतहाई खूबसूरत शय में एक कमतर शय को ज़रूर मिलाना होता है? इस पर गौर कीजिए। हाज़िर हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने उनकी मोमिनात को, उनकी बेगमात को हमारी माएँ बनाया। एक नेचुरल इफ़ेक्ट जो इसका होता है वो ये है कि अगर उनकी अजवाज मुतहरात हमारी माएँ हैं तो फिर अगरचे बायोलॉजिकल नहीं मगर स्पिरिचुअली मोहम्मद रसूलल्लाह हमारे बाप भी हैं, पैम्बर हैं, रसूल अल्लाह हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, मगर मेरे बाप भी हैं। उस रिश्ते के तवस्सुत से जो अल्लाह के हुजूर से उन्हें अता हुआ, ये मेरे बाप जिससे मैं, जिस पर मैं नाजा हूँ, इतना नाजा मैं अपने बायोलॉजिकल फादर पे नहीं हूँ। इत्तेफाक देखिए, मेरी अपनी परख में मेरा फादर मेरी वो इमेज नहीं बनता जो मेरा स्पिरिचुअल फादर मेरी इमेज बनता। मेरे पैगंबर ने बड़े बड़े चैलेंज जीते हुए, मैं उनको नबुवत का मायार और अपना नबी बांध के नहीं, प्रेजुडिस उनके हक में। मैं इसलिए नहीं खाली उनको मानता कि वो मेरे पैगंबर हैं, वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े पर्सनल टाइटल भी जीते हुए हैं। इत्तेफाक की बात, और ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों से जीते हुए हैं, तमाम गैर अकवाम में जो कोई भी सयाना गुजरा है, पास्ट में गुजरा है, प्रेजेंट में गुजरा है, अनचैलेंजेबल हाइट के साथ मोहम्मद रसूलल्लाह करें। जब एक बहुत बड़े मुसन्निफ ने एक किताब लिखनी चाहिए, उस किताब का नाम था हीरोज़ एंड हीरोज़ वर्शिप, कि नस्ल इंसान के कितने हीरोज़ गुजरे हैं और उन हीरों की मोहब्बत नहीं इबादत करनी चाहिए, तो उसमें सेक्शंस है, कोई साइंस का सेक्शन था, कोई आर्ट्स का सेक्शन था, उसमें पैगंबरी का भी सेक्शन, टॉप ऑफ द रैंक वॉज पैगंबर है। तो कार्लाइल ने सबसे ऊपर अपना पैगंबर छोड़ दिया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र छोड़ दिया, और जब हीरो एज ए प्रॉफिट रखा तो मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, थोड़ा इंसाफ वाला। तो जब ऑड्स देखे और सक्सेस का रेट देखा, खल्क में मोहब्बत देखी, मरवत देखी, असरात देखे, ही कुड नॉट रेजिस्ट दिस पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्लेरेशन के मोहम्मद वॉज द ग्रेटेस्ट एवर प्रॉफिट ऑफ द वर्ल्ड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो एक एज थी जब गुजर गई, लोगों ने कहा शायद एक एज में एक खबती बंदे ने शायद अपने पैगंबर को छोड़ के आपका पैगंबर हीरो सुन लिया। फिर एक बहुत बड़े तावन के साथ बड़ी किताब मुरतब हुई, 100 ग्रेट मैन, अब पैगंबर नहीं थे, 100 ग्रेट मैन, जब उन सब को मुरतब किया तो सबसे पहली बड़ी शख्सियत उसने मोहम्मद रसूलल्लाह। खादिम हज़रत, आपने सुना होगा बाज़ हमारे पैगंबर के
तान भी करते हैं, तशनी भी करते हैं, अपनी हमाकतों को वाजे भी करते हैं, मगर ये भी तो उन्हीं माशरों के लोग होते हैं। सिर्फ फर्क यह है कि वो अनपढ़ होते हैं, ये पढ़े लिखे होते हैं। और पढ़े लिखे लोगों का इज्तिमा खा कल होगा, खा आज होगा, खा दुनिया से पहले होगा, खा मलाए आला में होगा, हुजूर परवरदिगार होगा, इसमें कोई शक नहीं होगा कि मोहम्मद रसूलल्लाह शख्स अव्वल है, अव्वलीन शख्सियत है। ही होल्ड्स द टाइटल फॉर अस, वी कैन नॉट बी शाय ऑफ हिज पर्सन। हम अपने उस्ताद, अपने बाप से किसी किस्म की शर्मिंदगी मोल नहीं लेते। हाँ, हम उनके लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। खादिम आजाद, बहुत पहले परवरदिगार आलम ने एक मजलिस बुलाई थी, उसमें मलाइका थे, जिन्नात थे, सारा कुछ था, और उसने अपने कायनात के मुअज्जज तरीन मखलूक को जमा किया और उसने कहा कि वह इसका अला रब कलिल मलाइकते इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं हर एक में कुछ कमी देखता हूँ, मैंने फैसला किया है, ये ज़मीन के लिए नहीं था, मैंने फैसला किया है कि मैं कायनात में, मेरी बहुत बड़ी हुकूमत है, ला इंतहा हुकूमत है, मैंने सात कायनातें बनाई हैं, सात ज़मीनें बनाई हैं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। वो है ना अल्लाह के बारे में कुरान कहता है कि हर लहजा वही नई शान से उजागर होता है, हर लहजा उसके नए अंदाजे कारकर्दगी होते हैं। वो बड़ा खूबसूरत सा जिगर मुरादाबादी का शहर जलवा हम लोगों के बारे के जलवा बकदरे ज़र्फ़े नज़र देखते रहे, जलवा बकदरे ज़र्फ़े नज़र देखते रहे, क्या देखते उस हम उसको मगर देखते रहे, क्या देखते हम उसको मगर देखते रहे, उसकी हरी में नाज कहाँ और हम कहाँ, उसकी हरी में नाज कहाँ और हम कहाँ, नक्शो निगारे पर्दाए दर देखते रहे, हमारा इतना सा काम। मगर परवरदिगार आलम ने चाहा कि वो ऐसी एक मखलूक पैदा करें और उसके आसार उसने छुपे ढके सब पे पहले तय कर दिए। ज़मीन से एक अजीब व गरीब जरसूमा उठा रहा था, अजीब व गरीब, हालतल इंसान हीन उम्मीद दहर लमिया खुन शय मस्कूरा, जो काबिल जिक्र ही नहीं था। उस वक्त अगर कोई काई के किनारे एक जरसूमा लगा देख तो उसे क्या सोचना था कि ये कायनात का मालिक है। फिर कुछ सदियां गुजरी तो उसी आदमी को हाउ करते एक बूढ़े ग्रोह को एक हाथी का शिकार पीछे जाके नेजे मारते चिल्लाते देखा, क्या ये कायनात का था। फिर वो वक्त आया कि वो दरिंदों की तरह एक दूसरे पर झपट रहा था, एक अरब साल से इंसान जमीन पर इन हरकतों में मसरूफ था, उसकी जुबान ही नहीं थी, बात ही नहीं कर सकता था। वो 70,000 साल पहले हमारे इंसानी आबा व अजदाद के मुंह में जबान आई है, इससे पहले लैंग्वेज का जीन था ही नहीं इंसान के पूरे जेनेटिक सिस्टम में। फिर वो कर क्या रहा था, कुछ तो खून। उस वक्त खादिम हजरत दो एतराज आता, दो इतराजात मिल के दो कम्युनिटियों ने किए, एक मलाइका की कम्युनिटी थी, एक शयातीन की कम्युनिटी। इतफाक से चूंकि शैतान बहुत ज़्यादा इबादत के ज़रिए कौल और फेल के ज़रिए ज़ुबान से भी तारीफ़ खुदावंद कर रहा था और अमल से तो सब कोई कैंसिल कर गया, इसलिए ज़्यादा इबादतगारों के बारे में थोड़ा सा खबरदार रहना चाहिए कि ज्यादा इबादत के जरिए शैतान ने इबादती रोल में फरिश्तों को पीछे छोड़ दिया था और ये आर्च एंजल कहलवाता था। आर्च एंजल द ग्रेटेस्ट ऑफ ही वाज कैलिफ ऑफ द एंजल्स, अमीरुल खिलाफत इसकी थी। और दूसरी तरफ
मलाइका से, वो इन दोनों की तरफ से एक एतराज आया, कालुआ ताजालो फीहा मन युफसिदु फीहा वो यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक। अल्लाह इस इंसान को, इस इंसान को खलीफतुल्लाह फिल अर्द बना रहा है, या जमीन व आसमान में या कायनात में, इस नस्ल इंसान को, ये तो वाशी है, मुतमर्रद है, जुनूनी है, खून पीता है, मुर्दार खा जाता है, इस इंसान को खादिम हज़रत ये एतराज दोनों ताबईन कर रहे थे, खुदा को मानने वाले कर रहे थे, शयातीन कर रहे थे और मलाइका कर रहे थे। तो खुदा ने कहा अच्छा पहले मैं तुम्हें इस टेस्ट से गुजार दूं कि मैं क्यों इसको बनाना चाहता, बनाया तो मैंने, तो आई हैव सेंट सर्टेन स्पेशलिटीज इन टू दिस ह्यूमन स्ट्रक्चर, वो तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ये देखो, अब वो चूंकि दे बैठा था, ये मैच कहीं पड़ा होगा आज से 50,000 साल पहले, तो उसने कहा अच्छा ये देखो तख्ती ले लो और तुम भी ले लो, आदम आप भी आओ तुम भी ले लो, और फिर 20,000 साल ले लो, 10,000 साल ले लो, और इससे मुझे कुछ डेवलप करके बताओ। याद रखिएगा कि खुदा की सबसे पहली हैसियत आलिम की है और इल्म कुल की है जो उसके पास है, हम में से कोई आलिम नहीं होता, हम जो रिसीव करते हैं ना इल्म, उसको जब हम पढ़ लेते हैं सीख लेते हैं, एवरीथिंग इज इशूड बाय गॉड। सबसे बढ़कर अगर खुदा का किसी अपनी सिफत पे नाज है तो इल्म पे है, और इल्म को और अकल उसका रिसीवर है। आप थोड़ा सा गौर करना जो मैं कह रहा हूँ, अकल रिसीव करती है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारे यहाँ 2-4 बिलियन सेल्स पड़े हैं, वो सेल्स सोचते नहीं हैं, आज तक कोई बंदा सोचता नहीं, वो सेल्स रिसीव करते हैं खारजी असरात। चलते चलते आपको ये बता दूं कि कोई दिमाग आज खुद नहीं सोचता, देयर इज नो स्पॉन्टेनियस थॉट विच कैन बी बॉर्न इन ए ह्यूमन माइंड। ये इंस्ट्रूमेंट है रिसीव करने का, फ़अलहमा फजूरहा व तक्वाहा, इससे आप नेक ख्यालात भी रिसीव कर रहे हो और बुरे ख्यालात भी आ रहे हो, ओवरऑल किसी ऊपर के सिस्टम से ये सारे ख्यालात आपके जहन में डाले जा रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, सेट्स बाई सेट्स आ रहे हैं। ख्यालात की फैमिली होती है, ख़ानदान होते हैं, इनका एक अलहदा वजूद है, वो वजूद जो है या उस डिपार्टमेंट को आईडी दिया कहा जाता है, इस आदमी को परख के देखो, इसको परख के देखो, ये इस तरह के ख्यालात भेजो, ये मुसलसल ख्यालात का एक साइंटिफिक सीरीज है जो जिंदगी भर इंसानों के सर पर भेजी जाती है, बिकॉज अल्लाह ने इंसान को फरागत के लिए नहीं भेजा, आराम के लिए नहीं भेजा, आपके आपके सबसे बड़े दानिश्वर पैगंबर ने आपको बताया कि अर दुनिया सिजनल मोमिन, दुनिया मोमिन का कैद खाना है, यहाँ आपको फंसाया गया है, बहुत बड़ी हस्ती को एक मामूली से पैटर्न में फंसा दिया गया। खादिम हज़रात जब फरिश्ते थे जिन्नात थे तो आप भी तो वैसे ही होंगे ना, जिन्सों के दरमियान जब मुकाबला होता है तो एक हमारा इस माठी सी कमज़ोर सी हालत का इंसान तो वो नहीं होगा, अगर जिन्नात शक्ल बदल लेते हैं, अगर मलाइका शक्ल बदल लेते हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, तो हम भी ट्रांसफार्मर ही होते होंगे ना जिनके सामने, वरना इंसान कहना देता होंगे या अल्लाह मुझे किस चक्कर में डाल रहा है, तो इतनी बड़ी कुव्वतें रखते हैं एंड आई एम नोबडी, तो फिर मुझे क्यों इस इम्तहान में डाल रहे हो। मगर सच ये है कि इंसान की शेप सेक्टर फैक्टर सब कुछ इतना मुअज़्ज़ज़ अल्लाह ने बनाया था, जो उस आलम में जो इसका प्रोटोटाइप इंसान है, जो जन्नत से निकाला हुआ इंसान है, वो बड़े अजीम कदोकामत का था, इंतहाई खूबसूरत था, उसको फुलर टेक्नोलॉजी से आशना किया गया था, तभी ये मैच पड़ा ना, वरना इस हालत में आपने आज तक किसी जिन से मुकाबले का सोचा है या किसी फरिश्ते से,
we cannot think of any such competition in this pattern of is wujood mein hum is kisam ka koi imtihan nahi le sakte. We were like that. Hum mein jinnat ki sifat thi, hum mein farishton ki sifat thi, aur jo imtihan diya gaya usse thoda sa farq pad gaya. To usne kaha wa allama adam al asmaha kullaha sumaradahum malal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Ye lo jo takhti lo, तुम भी पढ़ो, ये भी पढ़े, ऐसे करो जितना टाइम लेना है ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, साल ले लो, सदियां ले लो, फिर मेरे पास आओ, मुझे बताओ कि क्या किया. आखिर वो दिन भी आ गया जब इस मैच के नतीजे निकलने थे, जब एक क्लासें पूरी पूरी आ गईं, तो पूछा गया फरिश्तों तुमने क्या किया. कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम. सबने एक जवाब दिया फरिश्तों ने, कालू सु, जरा गौर करना इस आयत का तर्जमा भी साथ करता कि किस किस्म का था ये इल्म, किस किस्म का है जो फरिश्तों को हासिल है. कालू सुबहानक ला इल्मा लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है. ये उजर दिया फरिश्तों ने कि हमारे पास कोई इल्म नहीं है. ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, सिर्फ वो है डे टू डे वो ऑर्डर्स हैं, डे टू डे वो तालीम है जो तुम्हें देता है. खातिन हजरात है कि नहीं कंप्यूटर है ना कंप्यूटर. फरिश्तों बेचारों ने ये इतराफ़ किया कि तूने जो डाटा फीड ही नहीं किया हम में, हम कैसे जवाब दे दें. एक पर्टिकुलराइज्ड एजुकेशन है जो डाटा फीड हो गया. अगर बैटल ऑफ प्लासी आपने एंटर कर दिया है अपने कंप्यूटर में तो निकल आएगा, तो अगर नहीं किया तो कयामत तक नहीं निकलेगा. ये थी उनकी असल, यानी यादाश्त से महरूम, इंटेलिजेंस से महरूम. दे कुड नॉट इंटरकनेक्ट थिंग्स. एक सिंपलेस जो होता है ना कंप्यूटर, ये उसकी आदत. काला आदम अम्बे हम बे अस्माहिम, ऐ आदम तू तो बता तूने क्या किया हुआ. मौसूफ बड़े बहुत बातू नहीं निकले, शुरू ही हो गए. फलम माम्बा हम बे अस्माहिम, ढेर लगा दिया. तब से हमें भी फजूल बातें करने की बड़ी आदत पड़ी हुई. उसने तो कंस्ट्रक्टिव बातें की आदम ने, हम अब उतनी कंस्ट्रक्टिव बातें तो नहीं कर सकते. हमने बातूनी इसलिए हो गए हैं फजूल बातों में कि उस अल्लाह ताला को कायल करने के लिए, उसके फजल व करम का शुक्रिया अदा करने के लिए जनाब आदम अलैहिस्सलाम शुरू हो गए. फलम माम्बाओं फलम बेअस्माहिम, उन्होंने हरूफ का एक पूरा चैप्टर बना लिया, किताब लिख ली. अब देखो उस उस्ताद ने ये टेस्ट दिया था, व्हाई डिड ही अलाउ इट. क्वेश्चन पहले पहले, व्हाई डिड ही अलाउ दिस कंपटीशन. ही वाज द ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सिटीज. मजाल किसकी थी कि उसके सामने अपने पलक भी उठाता, तमाम कायनात उसकी मुताबिक में थी. खातिन हजरात वजह ये थी कि वो डिक्टेटर नहीं था, उस्ताद था. अल्लाह इस कायनात ज़मीन व आसमान का सबसे पहला और बड़ा उस्ताद था. उसको उसने उनको गुस्से से नहीं झाड़ना था, उनको मुसीबत में नहीं डाला. उसने कहा देखो सबूत ये है कि इन्नी आलमो माला तालमो, कि तुम नहीं जानते हो मैं जानता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इस्टेब्लिश्ड, मगर आगे जो जुमला बोला वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, जिसने सारी कायनात के रस्ते जुदा कर दिए. इन्नी आलमो मा तुबदूना वाबा कुंतुम तक्तुमून, मैं जानता हूं जो दिलों में तुम छुपाते हो, मैं जानता हूं कि जो तुम दिलों में छुपाते हो और जिस चीज की ख्वाहिश रखते हो, मैं सब जानता हूं. मैं जानता हूं कि शैतान इस सवाल में क्यों शरीक हुआ, और मैं जानता हूं कि तुम क्यों शरीक. तुम मेरे ताबेदार बंदे थे, तुम्हें आगही और इल्म चाहिए था. शैतान अपने तमरुद और गुरूर की वजह से तंजिया हो रहा था.
दिस इज द डिफरेंट कॉलोफेल एक जैसे थे, दोनों ग्रहों के कॉलोफेल एक जैसे थे, मगर नियत का फर्क था। नियत का, शैतान की नियत और थी और फरिश्तों की नियत और थी। फरिश्ते अच्छे बच्चे थे, अच्छी मखलूक थी, वो अल्लाह के इल्म को चैलेंज नहीं कर रहे थे, मगर वो खुदा के हुक्म की वजाहत तलब कर रहे थे। और शैतान ग्रंज रखता था, वो अपने मरातब की फिक्र में था, उसने इसलिए नहीं पूछा कि उसको समझ आए, उसने ग्रैब के लिए पूछा कि मेरी इतनी बड़ी हिम्मत शख्सियत को आखिर इस शख्स के जरिए क्यों मजरूह किया जा रहा है। आई हैव क्लेम्स, वाई आर दे डी क्लेमिंग मी फॉर दिस। ये फ़र्क वो है खातिनो हज़रात कि अल्लाह नियात को देखता और दुनिया अमाल को परखती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अल्लाह अमाल को देखता, नियात को देखता है और दुनिया अमाल की जज होती है। कौलोफेल की मुताबिकत के बावजूद अगर नियत साथ ना जा रही हो तो ये फ्रॉड ख़त्म नहीं होता है। एक शख्स अफगानिस्तान में, एक जंग हुई दूसरी हुई, 35 साल के बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस का एक आदमी जो है वहाँ से मालूमात लेके पलटा। हजरत 35 साल वो एक मस्जिद में रहा, इमाम मस्जिद रहा, नमाज पढ़ी और पढ़ाता रहा, रोजे रखता रहा, मुकद्दस तरीन बंदा कहलवाया, बट ऑल द टाइम ही वॉज एन इंटेलिजेंस एजेंट और किसी को पता नहीं लगा। इसलिए कि नियाद का आलिम खुदा था, या तो को काउंटर इंटेलिजेंस उसे डिस्कवर कर लेती, ऐसा भी नहीं हुआ। और पैंजब बिल्कुल साफ सुथरा, दो जंगे उसको उतरवा के नादर शाह अफगान को ख़त्म करके, अमानुल्लाह खान को ख़त्म करके वो अपने मुल्क वापस आ गया। इतना गहरी साजिश, और ये बड़ी साजिशें कौलोफेल की हम आहंगी मांगती हैं। इसलिए अगर कोई कौलोफेल में ये कहे कि तजाद नहीं होना चाहिए तो ये सही नहीं होगा। कौलो फेल और फिक्र में तजाद नहीं होना चाहिए, ये तीन चीज़ें मिलेंगी तो फिर ये आयत कुरान हकीम जो है मुसलमानों के लिए हिदायत है। क्यों? इसलिए जो कुरान के लिमा तकुलूना माला तफलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो जिस पे अमल नहीं कर। तो बाजार ये कॉल ऑफ हेल तक लगता, मगर ये याद रखिए कि इससे पहले वो लोग ईमान कबूल कर चुके होते हैं, ये उनकी नियत की दुरुस्तगी पहले होती है। जो इस्लाम कबूल कर गया उसको खुदा के एडवाइज है कि अगर तुमने खुदा को मान लिया है और मेरे रसूल को तस्लीम कर लिया है तो फिर तुम्हारे कॉल ऑफ हेल में तजाद तुम्हारे ईमान की कमजोरी का बायस बने। इसकी खता कब, आखिर क्या वजह थी कि 22 बरस तक आखिर साहब की तरबियत की क्यों जरूरत पड़ गई? उधर हमारा ये कहना है कि जो एक स्कूल में एक साल भी गया वो जन्नती हो गया, कोई दूसरा दावा करता है जो हमारे स्कूल से गया उसको तो जरूरत नहीं है माल की, तीसरा कोई दावा कर, मगर जिस स्कूल में असहाबे रसूल दाखिल हुए उनको 22 साल उन असबाक को सीखना पड़ा जो एक अजीम तरीन इंसान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फर्स्ट प्रोफेशनल ऑफ नॉलेज वो था जिसने आपको इल्म सिखाया, और दूसरा ज़मीन व आसमान ने सबसे बड़ा उस्ताद वो था कि जिसने आपको इल्म सिखाया। खादिम हजरात, आखिर उस्ताद की सिफत क्या होती है ये देखना पड़ेगा। सॉक्रेटिस वॉज ए ग्रेट टीचर, बहुत बड़ा उस्ताद था, मगर उसका एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है कि वो ज़माने के बादशाहों का भी उस्ताद था, छोटों का उस्ताद था, बड़ों का उस्ताद था। तो हिपोक्रेटिस एक दफ़ा उससे मिलने आया, वो भी अपने वक्त का बड़ा आलिम था। जब वो आया तो उन्होंने कहा, जी वो सुकरात का घर है,
उधर चला गया। उसने आवाज देकर पूछा, सुकरात घर हैं? आगे से एक फजूल सी बात सुनने को मिली। उसने फिर दरख्वास्त पूछी, को सुकरात हैं? कहते जाओ उस खबीस को कहीं ढूंढ, मुझे ना तंग कर। बड़ा परेशान हुआ कि ये जौजा मुबारका कैसे कलाम उनके बारे में कर रही। आखिर तीसरी दफा फिर गटगटाया। उसने कहा, जनाब मैं उस अजीम आलम सुकरात से मिलने आया हूं, वो हैं? दरवाजा खुला, एक हांडी मुंह पे पड़ी उसके बेचारे। वो चीखता चिल्लाता हुआ भागा वहां से। ये क्या हो रहा है? और गालियां पीछे उसका ताकुब कर रहे थे। आखिर उसको वाहन छोड़ के इधर उधर देखा, मैं सुकरात को ढूंढूं तो सही। तो उनका वह फलां एम्पोरियम में बैठा है सुकरात, वो वहां चला गया। तो हैरान परेशान हो, लोग दस्त बस्ता खड़े थे उस्ताद मोहतरम के इर्द गिर्द, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पांव चूम रहा है। तो उसने कहा, यार ये क्या है? घर में वो हाल है, इधर ये हाल है, क्या क्यामत क्या आ गई? तो खादिन हजरात वो चुपके से उसके पास गया, उसने कहा, तू सुकरात है? उसने कहा, हाँ हूं। तू घर में क्या था? उसने पूछा। उसने कहा, चुप खामोश रहे, इन्हीं बदतमीजियों पर सबर करके तो मैं सुकरात बनू। यानी खादिन हजरात मसला ये है। अब आप देखिए उस्तादों के क्या काम। सल्तनत रोमा का बहुत बड़ा उस्ताद था, बहुत बड़ा, आज तक उसके नाम से कानून साजी शुरू हुई है, रोमन कानून साजी का वो बेस है, उसको सिसरो कहते थे। एक दफा को बड़ी दूर से आया तो सिसरो से मिलने चला गया। अंदर हंगामा था, बड़ा अजीबो गरीब सा हंगामा था, शोर मचा हुआ था, चीखे चिल्लाहटें हो रही थी। वो बड़ा तंग आ गया, उसने कहा, ये क्या हो रहा है अंदर, सिसरो के साथ क्या हो रहा है? आखिर दरवाजा खोला तो देखा कि सिसरो घोड़ी बना हुआ है और चार बच्चे को उसका कैन कान खींच रहा है, किसी ने बालों से पकड़ के, किसी वो चीख रहा है, ये भी चीख रहे हैं, हंगामा पड़ा हुआ। वो हैरान परेशान कि दुनिया का सबसे बड़ा कानूनदान, फिलासफर, मुफक्कर और रोमन एम्पायर का सबसे मुअज्ज़ज़ जो है सेनेटर, उसका ये हाल क्या हो रहा है? सिसरो ने एक आंख देखा ना तो उसे एक जुमला कहा, प्लीज डोंट टेल इट टू एनीबॉडी अनलेस यू हैव योर चिल्ड्रन। लेकिन किसको बताना ना, जब तक तुम्हारे बच्चे ना हो जाए किसी को बताना ना, क्योंकि जब बच्चे होंगे तो बताने जोगा ही नहीं रहेगा। खादिम आजाद उस्तादों के तर्ज अमल में एक क्वालिटी मेजर मोस्ट होती है, अगर वो क्वालिटी नहीं है तो उस्ताद अच्छा नहीं है। उस्ताद अपनी तालीम के बड़ा करीब होता है। वट एवर ही टीचेस, वट एवर ही टॉक्स, द एजुकेशन इज वेरी क्लोज टू द एक्ट्स ऑफ द प्रोफेसर, एक्ट्स ऑफ द टीचर। ये सबसे बड़ा वसफ, और इस वसफ की तारीफ आपको उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो के कौल से मिलती है कि जब लोगों ने कहा उम्मुल मोमिनीन से कि हुजूर का अमूमी किरदार, उठना बैठना चलना फिरना, यानी मैं इज्तमाही तौर पर हुजूर का तमाम अमल कैसा था, तो उम्मुल मोमिनीन ने बताया क्या कहा, तुम कुरान नहीं पढ़ते हो, तुम कुरान नहीं पढ़ते हो, जो कुछ कुरान में था उसी के मुताबिक रसूलल्लाह का अमल था। ही इज वन ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल टाइम्स, के उन्होंने कभी वो चीज नहीं पढ़ाई जिस पे पहले उन्होंने अमल नहीं किया। और जो नहीं है, अगर जिस चीज के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारो गरामी है कि निस्फ इल्म जो है ला अदरी कहने में है, निस्फ इल्म नहीं आता तो कह दो ना नहीं आता, उस पर तावील क्यों देना शुरू कर देते हो? हजूर का इरशाद है कि निस्फ इल्म ला अदरी है। अगर आपको एक चीज की, अब आप देखिए क्या होता है, जादू है, टोना है,
कितनी ज्यादती है लोगों की, कह रही पैगंबर पे जादू हुआ, जिसने भी जादूगरी करनी होने तो वो ये पहले जुमला बोलता हमारे हजूर पे नहीं हुआ। हदीस तो है, जिक्र है कि हुआ, पर क्यों हुआ? जिसके साथ खुदा हो, जिसका जिब्रील हो, जिस पर जमीन व आसमान की हुकूमत, उसमें शैतान की क्या मजाल थी कि हजूर पे जादू करता? लबीद बिन आसम की बेटियों की क्या मजाल थी कि रसूल पे जादू करते या होता? क्या इतना आसान था रसूल पे? मगर हुआ क्यों? खातिर आजाद उस वक्त अरब माशरा 70% इन चीज़ों पे यकीन रखता था, जादू पे, कहानत पे यकीन रखता था। कहानत क्या चीज थी? छोटा सा मैं आपको उसका, इब्ने खल्दून ने उसकी रिवायत पेश की है कि कहानत ये थी कि लोग, कुछ लोगों को बड़े बड़े मर्तबान बना के नहीं, उसके अंदर रोगने बादाम से भर कर उसमें एक बंडा लिटा दिया जाता या बैठा दिया जाता, वो बादाम भी उसको खाने को भी बादाम ही देते। 40 दिन के लिए वो बंदा बादाम के उस छोटे से हौज में बंद रहता था और सिर्फ बादाम खाता था। मशहूर था कि बादाम जहनी यानी तौखीर के लिए, इसकी ताकतें बढ़ाने के लिए बड़ा यूजफुल, हत्ता के 40 दिन के बाद गोश्त वो उसका उतर जाता था, एक ढांचा सा बाहर निकलता था। अजी ये कौन है? ये काहन है। इसका काम क्या है? कि जिन्नात से गुफ्तगू कर लेता। और ये करीबन अरब में जगह जगह ऐसे कहानतें भी मौजूद थीं और ऐसे काहन और जादूगर भी मौजूद थे। खातिर आजाद पैगंबर को एक मसले के लिए तो नहीं आता, पैगंबर से तो बहुत सारे मशवरे लेते हैं लोग, ज़मीन के लेते हैं, पैदावार के लेते हैं, शादी ब्याह पे लेते हैं, एक पूरा मज़हब उतर रहा था। फ़र्ज करो अगर पैगंबर को जादू का इल्म ना होता तो अल्लाह के रसूल के अपने कौल के मुताबिक जो पूछने आता है या रसूलल्लाह जादू है, तो आप कह देते ना ला अदरी, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। मगर अल्लाह ने अपने पैगंबर को इसका उस्ताद बनाना था। नतीजा ये हुआ खातिन हजरात के अल्लाह के रसूल के बदन से जादू गुजारा गया, गुजारा गया। उनको बताया गया कि ये अज किस्म जादू है, इसके असरात ये होते हैं, ये ऑब्सेशनल थॉट पैदा करता है, ये आपके मेमोरी कंफ्यूज कर देता है, जादू और सहर जो है ये आप में गलत फहमियाँ फैलाने के लिए तरीका इस्तेमाल करता है। यानी वक्त सिखाते क्या थे? सिखाते ये थे कि कैसे मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ डाला जा सकता है, कैसे मेमोरी ख़राब की जा सकती, कैसे कंटिन्यूस अग्रेसिव थॉट की पैदावार होती। रसूलल्लाह को सारे आसार बता दिए गए। फिर क्या हुआ? जब आसार बता दिए गए तो बरकत वाली थी वो ज़ाते गिरामी कि उनके इस अमल के, इस सिखलाई के, वह सारी दुनिया के लिए शहर का तोड़ दिया गया और अर्श के ऐन नीचे से दो चमकदार सूरतें और आयात हमको अता की गई, वो वन्नास और फलक थी, कि ये तमाम जादू का तोड़। मगर खाजन हजरा बात सुने, आप भी तो पढ़ते हो ना, आपका जादू क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं शेयर जाता आपका? बिकॉज यू डू नॉट बिलीव प्रॉपरली इन गॉड। तो मेरे किससे कहानियों को समझ, इफ यू एवर बिलीव इन गॉड तो क्या, क्यों नहीं के 7 दफा वन्नास और फलक पढ़ने में आपका जादू क्यों ना जाए? इसलिए चेक अप योर फेथ, आपको अल्लाह पे नहीं है, आपको तो उस आपके करीब ही बैठे हुए उस मनहूस किताब वाले का जो ज़्यादा एतबार है, जो बार बार आपको कहता है कि आप पे जादू हुआ। यू डोंट बिलीव इन योर प्रॉफिट। जब प्रॉफिट ये कहे कि मुझे फलक के नीचे से खूबसूरत तरीन दो आयात अता की गई हैं जो तमाम शहर का तोड़ है, फिर आपको क्यों नहीं आराम आता?
You don't believe in your prophet, you don't believe in your God. ये वजह असली, इसका तलब करो। और ये बातें, वरना आपके पैगंबर में कोई ऐसा तजाद नहीं है मेंटली या फिजिकली, या उनकी तालीम में ऐसा कोई खदशा आपके लिए नहीं है कि आप बावजूद उनकी बात सुनने के और बावजूद उनकी बात मानने के आप पर असर ही ना जाए। आप तो उस माशरे के फर्द हो, उस माशरे के फर्द हो कि जिसमें आधे पाकिस्तान पे जादू हो रहा है, आधे कर रहा है, सारे पाकिस्तान में। ये सल्तनत ही, आपका वजीर आजम भी इसी पे एतबार करता है, सुन लो। वो मुल्क है जो खुदा के नाम पे बना हुआ हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इस मुल्क का, अब इस मुल्क का एक छोटा सा मसला नहीं है, और आपका भी इस मुल्क में रहने का मसला छोटा सा नहीं है। 1919 में जब शैतान के तमाम चेले मिल गए, 1919 में, ये याद रखें, बेलफोर डेक्लरेशन के जरिए इसराइल की बुनियाद रख रहे थे, 1919 में, जहां वो शैतानी काम हो रहा था, परवरदिगार आलम की इनायत से हिंदुस्तान में एक्ट ऑफ 1919 के जरिए, डायरेक्टी के जरिए, इसका नाम है मुसलमान उम्मत जो है बाकी उम्मत से जुदा हो रही थी। अगर उधर इज़राइल को ला के बसाया जा रहा था तो 1919 में ही खुदा के करम से और मर्जी से उम्मत मुसलमान हिंदुस्तान से जुदा होकर अल्लाह के फजल करम से एक मुल्क की शक्ल बना रही थी। ये दोनों एक दूसरे मुखालिफ हैं। इसलिए आपको पता है कायदे आजम क्या कहे? कायदे आजम क्या कहते? इसराइल कभी ना मानना, जो मर्जी कर लेना, मगर इसराइल को कभी तस्लीम ना करना, क्योंकि तुम इसलिए बने नहीं हो उसको तस्लीम करने के, तुम तो उसको फना करने के लिए बने हो। तुम्हें तो यानी यार उस सादा से अंग्रेजी पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह की हिकमत का पता था, बाकी किसी को नहीं पता था, किसी आलम दीन को नहीं पता था, किसी बड़े से बड़े मुल्ला को नहीं पता था कि हम क्यों बने हैं और क्यों मुसलमानों को हिंद से खुशबू आती है, अल्लाह के रसूल को क्यों खुशबू आती। आपको इतने वली अल्लाह कहाँ से आ गए? सोचो तो सही, अपने अपने गरीबान पर नजर तो डालो। हमारा तो कॉल ऑफ फेल कभी एक नहीं हुआ, एक नीयत का फर्क है। कॉल ऑफ फेल हमारे हमेशा ही खराब रहे, जो उठता है लुटेरा उठता है, जो उठता है अपने मुल्क के साथ झूठ बोलता, बाकी कहीं उसकी सच्चाई होता हमें पता नहीं। सवाल ये कि फिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप अभी भी कायम हो, अभी भी आप पर नजर करम हो रही है मलाए आला से। खातिन वजरात, हमारे पास बड़े तरीके थे किसी भी मुल्क की आज़ादी के बास बनने के, बड़े एहतजाज उठते हैं। उधर देखिए आज़रबाईजान में एक इख्तलाफ हुआ, मसाइल दुनिया पे हुआ, किसी और जगह बड़े बड़े इनकलाब आते हैं तो ज़रूरियात ज़िंदगी पे आते हैं। कोई भूखा मर रहा था, तमाम कम्युनिज्म इनकलाब जो आया है वो पता है आपको क्यों आया है? वो हालात आपके कभी नहीं आए, मगर वहाँ हाल ये था कि क्रेमलिन में या किसी भी हैं पुल की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर टैक्स था, पैदल पैदल। हमारे तो गाड़ियों पे है ना, शायद नौबत आ जाए हमारे भी पैदल चलने की, मगर पुल से एक तरफ दूसरी तरफ जाने पर टैक्स था। जो पलट के आया था उस पर टैक्स था पैदल लोगों को। और उस वक्त जो हमारे सामने उनका डाटा मौजूद है कि तंदूर में रोटियां लगाने पर टैक्स था, हर रोटी पे अलग टैक्स लगाने पर, सिर्फ लोग भूखे मर रहे थे। और कम्युनिस्टों के ज़माने में या उससे पहले के ज़माने में लोग अपनी इतनी बर्बादी से, इतने गुस्से से, इतनी अजियत में थे कि अगर आज उस वक्त के राइटर्स की इतलात पढ़ लें, उसमें माइकल शोलोखोफ है, आइंस्टीन है, उसमें दोस्तोव्स्की है,
मैक्सिम गौर की है, अगर आप इनकी किताब, आपकी रूह कांप जाएगी कि उस वक्त इस इन बादशाहों की, यूरोप के बादशाहों की वजह से यूरोप किस बुरे हाल में था, और मार्क्स ने उसका फायदा उठा लिया, मार्क्स ने उसका फायदा उठा लिया। उसको पता था कि यूरोप बर्बादी के उस लम्हे में है कि जहाँ कोई बंदा मरने मारने पे तैयार हो, मरना तो उसने है, भूख से क्यों मरे, आगे जाके लड़के मार ले। मार्क्सिज्म उस वक्त पैदा हुआ, बट हिज हिस्ट्री वॉज वेरी रॉन्ग। ऑन दिस बॉर्डर्स ऑफ इस्लाम आके वो इनकलाब क्यों रुक गया, पता है आपको? आपके जहन में कोई ऐसा इनकलाब है कि जो इस्लाम में उठा हो, जो मिन हैसुल कौम उठा हो, जिसमें सारे मुसलमान उठ खड़े हुए हों, ऐसा कोई इनकलाब? उसकी वजह क्या थी खातिर साहब? वजह बड़ी सादा सी थी उनकी, वजह यह थी कि उनके यहाँ वो सिस्टम ही नहीं थे जो मुसलमानों के यहाँ थे। मुसलमान मुआशरा गुरबत से गुजरा है, मजबूरी से गुजरा है, मगर मौत के खौफ से ज़कात और सदकात की वजह से कभी नहीं गुजरा। पीपल हैव बीन वेरी काइंड। उन्होंने मैस लेवल पे इसलिए इनकलाब मुसलमानों में नहीं उठा कि उन्होंने अपने मुआशरे को अल्लाह ने और उसके रसूल ने कभी तनहा नहीं छोड़ा। वहाँ नौबत नहीं आई ज़कात वाले घर घर जाके मुसलमानों की एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल मेंटेन कर लेते थे। इसलिए वहाँ फ्रांस में आया, सुबह के मकतूल शाम के, सुबह के शाम के यानी कातिल जो थे सुबह के मकतूल होते थे, और जो जजेस बैठते जजमेंट पे, वो जो जजमेंट उनको मारने का, अगले दिन आप गिलोटीन पे चढ़े होते। The major reason was hunger, starvation, survival. इस्लाम ने इसका कितना खूबसूरत बंदोबस्त किया हुआ था अल्लाह ने। हजूर का इरशाद गिरामी है, क्या मुसलमानों, ज़कात के अलावा भी तुम पर बाकी मुसलमानों का हक है, और वो हम सदकात को समझते हैं कि ज़कात खाली दे के बेनियाज ना हो जाया करो। क्या पैगंबर अलैहिस्सलाम की किसी नीयत में उनकी मेहरबानी आपको नज़र नहीं आती? क्या मखलूक के लिए उस उनके आंसू नहीं निकल? मखलूक को छोड़िए, एक हरनी थी छोटी सी, उसका एक बच्चा था, किसी साहबी ने बच्चा उठा लिया घर पालने की क्षमता, आज मैं भी यही करूं, आप भी यही करें कि चलो जी बच्चा ले जाए। हरनी बेचारी पीछे पीछे आ रही थी, उसका हाल देख के हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए और कहा तुम माँ का दर्द नहीं फील कर सकते, माँ का दर्द नहीं फील कर सकते हो, देखते नहीं वो कितनी को अपनी सारी जिंदगी को और अपनी हिफाजत का स्टेक भी लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है अपने बच्चे के लिए। फिर उन साहबी ने जब ये सुना तो उन्होंने वो अब बच्चा आज़ाद किया, एंड वो पलटी। देखो ये मौजज़ा नहीं है, पैगंबर सबको जानते थे, ये मौजज़ा नहीं है, ये तो उनके एक अमल इंसानियत जो आपको टीच करे उसका सिला है कि वो पलट के अगर हुजूर के पाँव में सर रख दे तो इसका क्या ताज्जुब है? तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। अल्लाह के रसूल ने उनकी, हम देख लेते हैं कि उनकी रुख कहाँ है, उनके कौल अमल के पीछे क्या है। देखो इब्ने रुकाना ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, बहुत मरतबा दे दी, उसकी बीवी रोते हुए आई कि मैं बुढ़िया सड़ गई हूँ, मैं अब इस उम्र में किसके पास जाऊँगी? तो पता है रसूलुल्लाह से कुरान में आया कि अल्लाह ने इस बुढ़िया की फरियाद सुन ली, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 मरतबा की तलाक लौटा दी और कहा अच्छा चल थोड़ी सी सदका खैरात कर दे, थोड़ा सा सदका खैरात। उसने कहा या रसूलल्लाह सदका खैरात कहाँ से करूँ, मेरे पल्ले तो कख भी नहीं है। हत्या कि हजूर को कितना इश्तियाक होगा कि आपने कहा अच्छा हम तुम्हारी जगह दे देते हैं, कोई जी लोगों को दे दो, मुझे दो, मेरे पास खाने को नहीं। ये सिचुएशन जो है, एक बहुत बड़े उस्ताद ने जो आपको एड्रेस किया होता है, जो आपके दिल में हमदर्दी पैदा करना चाहता है, जो आपको खुदगर्जी से बचाना चाहता है,
उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कौल व फेल एक इकाई नहीं है काबिल तस्लीम। कौल व फेल के पीछे वो नियात चाहिए जो आपने लोगों के लिए पाली हैं। हसद और कीने की नियात नहीं चाहिए, बल्कि वो एक इखलास और मोहब्बत इंसान की रिवाज चाहिए। एक ऊंट हुजूर के पास आके खड़ा हो गया, सूखा सड़ा हुआ बेचारा, तो हुजूर ने उसके मालिक को बुला भेजा, कहा अच्छी बात है ये मुझसे गिला कर रहा था कि जब तक मैं जवान रहा मैंने इसकी बड़ी खिदमत की, अब मुझ में दम नहीं रहा, बूढ़ा हो गया हूं, तो अब ये मुझे कुछ खाने को ही नहीं देता। आज कितने आपको हम दर्द नज़र आते होंगे जानवरों के, कितने कानून इंटरनेशनली बने हुए हैं। एक मिसाल ऐसे भी तो किसी इंसान ने किसी का जहन पढ़ लिया हो, एक जानवर का जहन पढ़ लिया हो, उसके एहसास को उसने छू लिया हो, ऐसा तो आपका पैगंबर ही था, और तो कोई भी नहीं नज़र आता। ये तो फार्मूले बने हुए हैं, सच पूछो तो ये फार्मूले बने हुए हैं जो लोग बनाते हैं, उन पर कितने अमल होते हैं ये अल्लाह जानता है। मगर जो असल है, जो आपकी नियतों में इखलास और मोहब्बत है, वो सिर्फ उसी पैगंबर ने पैदा की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके हिंद से खुशबू आती है, क्यों आती है जी? ये आपका एजाज़ है, मगर क्यों? मैंने तो आज तक चलते फिरते किसी में खुशबू नहीं सूंघी। मसला ये है कि ये कौल व फेल में आपको कम नजर आएगी, मगर अगर मैं ऑनेस्टली किसी मुसलमान हिंद से पूछ लूँ ना, तो अल्लाह के रसूल के जिक्र पे उसके दिल में ज़रूर मोहब्बत उठती है, उसकी आंखों से ज़रूर आंसू बहने की कोशिश करते हैं, उसके जज्बात में ज़रूर तगैयुर आते हैं। इसलिए कि यहाँ इस्लाम मेथोडिकली नहीं फैला, यहाँ इस्लाम दो कॉम्बिनेशन से, दो कहीं से सुल्तान महमूद अब गजना उतर रहा है, मगर बगैर किसी आलिम और सूफी को लेके नहीं उतर रहा, जाता है और जाके दरख्वास्त करता है सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी को कि हमारी फतवा तो नाकस होंगी अगर आप चल के दुआ बरकत ना दें। और कभी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और गौरी का आपस में संबंध पड़ता है, कभी ये इनकी नीयतें ये थी उन बादशाहों की। देखिए गौर कीजिए, अलतुतमिश बादशाह भी समझा जाता है और चिश्तिया का वली भी समझा जाता है। बलबन वो शख्स सुल्तान शमसुद्दीन बलबन वो है जो ख्वाजा फरीद का इतना ताबे था कि अपनी बेटी बादशाह ने उठा के उस राह गुजरे फकीर के हवाले कर दी कि मेरी बरकत का बायस बनेगा। या तो वो बादशाह गुजरे हैं, वो कमांडर गुजरे हैं कि ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी ने कहा कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए, वो आलम पढ़ाए, वो टीचर भाई जिससे सारी उम्र जिसने कभी कोई जिना ना किया हो, किसी गैर औरत को ना देखा हो, जिसकी तहज्जुद कजा ना हुई हो। तो कौन निकला? ना कोई ताजर निकला, ना वो एक बादशाह निकला, सुल्तान शमसुद्दीन अलतुतमिश निकला। और उसने रो के कहा, ख्वाजा इमरूज मरा पेशे खल्क रुस्वा कर दाई। ए बादशाह, किसी को क्या मेरी खूबियों का पता था, आज तूने मुझे मखलूक के सामने रुस्वा कर दिया। खादिम आजाद, इल्म खाली कौल व फेल में नहीं, और नियात जैसे मैंने पहले कहा उसका इल्म अल्लाह को है, और इन्हीं नियात की दुरुस्तगी की वजह से और आज भी हम में उसका शमा बराबर शऊर मौजूद है। मगर हमारी मोहब्बत रसूल को कैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? किसी ने कहा हम रियासत मदीना कायम करेंगे, क्योंकि रियासत मदीना के अरकान तो दो हैं सिर्फ, एक अल्लाह का रसूल है, एक असहाब रसूल है। यहाँ से कहाँ से लाओगे? यहाँ रियासत मदीना ना कायम करो, ये कह दो कि हम खुदा के रसूल के मुताबिक अपने आवाम से ज़्यादा खुलूस बरतेंगे, हम उनकी मारफत से अमल करेंगे, हम अपने इंटरेस्ट की बजाय अपने लोगों के इंटरेस्ट देखेंगे। खादिम हज़रात, बहुत देर हुए, हमारा एक मुजाहिद उतरा था,
स्पेन के साहिलों पर, उसने अपने कब्जा शमशीर पे हाथ रख के कहा था, किसी ने कहा ना तुमने अपनी जान रिस्क में क्यों डाल दी, क्यों तख्तियां जला दी, तो उसने कहा को पागल का फेल नहीं है ये कोई जनूनी फेल नहीं है, ये ईमान का फेल है। खंदीद दस्तबुर्द ब शमशीर खीस गुफ्त, हाथ अपने कब्जा शमशीर को ले गया और पता क्या कहा, हर मुल्क मिल के मास्त के मिल के खुदा मास्त, हर मुल्क हमारा है, हम अल्लाह से जो वाबस्ता हैं, हम दिलो दिमाग और जहन में अल्लाह से जो वाबस्ता हैं, अगर आपका यकीन है तो हर मुल्क तुम्हारा है, हर जमीन तुम्हारी है, जैसे तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था, हर मुल्क मिल के मास्त के मिल के खुदा मास्त, हर मुल्क हमारी मिल्कियत है इसलिए कि हमारे अल्लाह की मिल्कियत। मगर खातिनों आज़ाद 750 बरस के बाद स्पेन में मुसलमान ही नहीं मिलता। हैव यू अंडरस्टूड व्हाई, आपने सोचा क्यों नहीं मिलता? स्पेन में 750 बरस की हुकूमत के बाद भी स्पेन नहीं मुसलमान नहीं मिलता। अब देखिए स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहते हैं, आखिर इनको क्यों नहीं समझ आती कि वो क्यों जीते, ये क्यों हारे, उनकी आबादियाँ क्यों बनी, उनके बाद मुसलमान क्यों नहीं नज़र आते। खादिम आज़ाद जब वो अटैक हुआ रॉड्रिक के सिपाहियों का, तो मुसलमान ख़वातीन पे, तो एक ने एक मुस्लिम खातून को ने निज़ा मारा, जब निज़ा मारा तो उसके मुंह से निकला वाह मोहम्मदा, ने जुमला उसके मुंह से निकला वाह मोहम्मदा, अब वो तो इसका तर्जमा क्या होगा, या रसूल अल्लाह। उस ज़माने के लोग कल्चरली बहुत सियाने थे, तो वो उस महबूब हस्ती को बुलाते थे जो खुदा को बड़ी महबूब थे, तो उनका ख्याल ये था कि इमरजेंसी में आप उसको बुलाओ जो जल्द से जल्द खुदा की हमें एयानत लेके देता है, इसलिए बुलाए। तो अगर आप उन सेंचुरीज को देखो ना, तो उसमें तकिया कलाम था मुसलमान औरतों का, कि जब कोई मुसीबत पड़ती ना तो वो कहती थी वाह मोहम्मद, कि यार उस ये वाह, जब उसके जवाब में पता उसने क्या कहा, आज तुम मोहम्मद तो क्या उसके खुदा को भी बुला लो तो तू नहीं बच सकते, ये उसने कहा। उन राजक के फौजियों ने कहा ये जुमला सुन के कि या रसूलल्लाह का जुमला, उनका आज तुम अल्लाह के रसूल को अल्लाह को भी बुला लो तो आज तुम नहीं बच सकते। इसके जवाब में मुसलमानों को कितना बुरा लगा होगा कि मेरे हमारे रसूल की कितनी तोहीन हुई है, कि उसके जवाब में मूसा बिन नसर ने फैसला किया, तारिक बिन ज़ियाद गया 12,000 लश्कर ले के 750 बरस इस तोहीन रसालत की को भुगतना पड़ा स्पेन को 750 बरस। खादिम आज़ाद ना सही, आज ना सही, कल फिर यही वक्त है। फिर आपको याद है वो वाक्या जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कम अज कम 35 अंग्रेज शहजादों से लड़ रहा था, उनमें से एक शहजादे का नाम था रेजिनॉल्ड था, ये कर्क का वाली था, और ना सिर्फ ये यही वो लोग थे जिन्होंने एक दफ़ा मदीना से, ये दो दफ़ा हुआ, पहली दफ़ा तो वो यहूदी थे, दूसरी दफ़ा ये रेजिनॉल्ड था जो मदीना जा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक को खोद के नाश मुबारक निकालना चाहिए, ये रेजिनॉल्ड और इसके अमाल का पता था। मगर पहली मरतबा उसको अल मलकुल आदिल ने सुल्तान सलाहुद्दीन के बारे में रस्ते में ही आ लिया और पूरा लश्कर ये बच के निकल गया। दूसरी मरतबा फिर इसी तरह हाजी उसी रस्ते को क्रॉस करके जाते थे, तो इसने घेर लिया एक छोटा सा काफिला, उसमें सुल्तान की भांजी भी थी, तो उसको फिर इन्होंने एक बर्छी जख्मी किया, तो उस सुल्तान की भांजी ने आवाज़ दे कहा वाह मोहम्मद, उसने अयूबी को नहीं बुलाया, बिल्कुल वही जुमला बोला जो उस खातून ने बोला था तारिक बिन ज़ियाद को, उसने कहा वाह मोहम्मद। उसने भी देखो सिचुएशन अजीबोगरीब है,
कि वही जुमला जवाब में कहा, आज जिसको मर्जी बुला लो, मोहम्मद नहीं उसके खुदा को भी बुला लो, आज नहीं बच सकते, वो शहीद हो गए मुझे। मगर जब उसकी खबर सुल्तान को मिली तो सुल्तान ने ये अहद किया कि मैं इस बादशाह को अपने हाथ से कत्ल करूँगा। वादिया तीन की जंग के बाद ये पकड़ा हुआ आया, यही बादशाह पकड़ा गया ये भी, और सुल्तान ने इसको कत्ल किया। तो बाकी बादशाह डर गए, डर के जब देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने तो बादशाह ही कत्ल कर दिया, तो उसने कहा कि किंग्स डू नॉट किल किंग्स, आप घबराओ नहीं, बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं करते, हमने सिर्फ इसलिए इसको मारा है कि इसने हमारे पैगंबर का नाम तौहीन से लिया था। ये सुल्तान सलाहुद्दीन, ये आपके नाम मशहूर नाम क्यों आपके नामों के सामने आ जाते हैं, ये बड़े बड़े लोग क्यों आ जाते हैं? उसकी सिर्फ एक वजह है कि उनकी नीयतें ईमान वाली थी। देवर अप अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, देवर अप अगेंस्ट ऑल द क्रूसेड किंग्स, मगर उनका एक वसफ था कि वो दिलो दिमाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा इश्क रखते थे। और खादिम हजरात, इंडिया का वसफ देखो क्या था, ये बड़े सगीर में जब फौजी आए और साथ साथ मुसलमान आलिम आए, ख्वाजा उस्मान हारूनी आए, सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी आए, ख्वाजा अबुल फज़ल खुतली के संजरानी आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चश्ती अजमेरी आए, फरीदुद्दीन आए, ये साथ आए। इनकी मोहब्बतों का रंग वो था, ये कौलो फेल और फिक्र वाले सारे उस्ताद एक जैसे होते, एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये एक्ट ऑफ लव ऑफ ह्यूमंस के होते हैं, इनमें मोहब्बतों का सफ़र होता है और सबसे बढ़कर खुदा से और रसूल से मोहब्बत का सफ़र होता है। ये मेंबर और महराब के मालिक नहीं होते, ये तो अपने छोटे से उजरों में अपने इखलाक और तर्ज अमल से कौलो फेल और नीयत से आपको ये इल्म देते हैं। उसका नतीजा क्या निकला, आप बड़े सगीर की सारी हिस्ट्री ले जाएं, इधर औलिया के कारनामे हैं, इधर बुल्ला सदरा के अपना अफसाने हैं, फितने बाजी के हैं, रिजेंट मौलवी हैज विल ऑलवेज बिन फाइटिंग ए मैन ऑफ गॉड ओवर देयर, मगर नतीजा क्या निकला, नतीजा आप खुद जानते हो कि 750 बरस के बाद स्पेन में मुसलमान नजर नहीं आता, और इंडिया में 350 बरस की हुकूमत के बाद सिर्फ 350 बरस 60 करोड़ मुसलमान। ये वो फर्क है तालीमात का, इसलिए जो हदीस है कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को चंद लोगों ने फितने में डाला, किसी ने कहा रसूलुल्लाह की तारीफ शिर्क है, किसी ने कहा तुम इसमें शामिल ना करो, मगर अल्लाह के रसूल की भी तो बात सुन लो कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें पता ही ईमान की हलावत क्या है, क्या यार सुल्ला हमें तो नहीं पता, फरमाया जब तक मैं तुम्हें तमाम तुम्हारी मोहब्बतों से अजीज तर ना हो जाऊं तुम ईमान की हलावत नहीं पा सकते, मैं तुम्हारे बाल बच्चों से मालो असबाब से हर चीज से मैं अगर अजीज तर ना हो जाऊं तो फिर तुम ईमान का मजा नहीं चख सकते हो। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, आए उमर तुम मुझे कितना चाहते हो, फरमाया या रसूल्ला अपनी जान से कम बाकी हर चीज से ज्यादा, फरमाया उमर तुम ईमान नहीं पा सकते जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी अपने सेल्फ से भी ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। हजरत उमर फारूक ने कहा या रसूल्ला बस खत्म, आज के बाद आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज, ये ईमान के सौदे हैं। मगर ये चीज़ें आपके कॉलोफेल में नहीं आएंगी, ये आपके दिल में आएंगी, दिमाग में आएंगी, अख्फा में आएंगी, ये राजदारी है जिसको देखो आपके पैगंबर ने कितनी दूर से देख लिया है, कितनी सदियों के बोध से देख लिया है कि मुझे हिंद से खुशबू आती है।
कि यहाँ के लोग मुझसे बड़ा प्यार रखते हैं, मुझे बड़ा प्यार रखेंगे। सिला क्या है जी? सिला क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया आपको कि जो ऐसे हैं ये लोग, तो मेरा वादा है कि जब ये जंग को निकलेंगे तो खुदा इस पूरे लश्कर को जहन्नुम से बिरात में दे जाएगा। इसका एक एक सिपाही, इसका एक एक मुजाहद, इसका एक एक अफसर दोजख की आग से आज़ाद हो गए, पहले से दे बैठे हैं। किताबुल फितन पढ़ लो, या हदीस बुखारी पढ़ लो, या हदीस मुस्लिम पढ़ लो, जो हदीस उठा के देख लो, ये इनाम रिकॉर्डेड है कि हिंद में जो जंग होगी और हिंद का जो मुसलमान काफिर के खिलाफ उठेगा, खुदा ने पहले से उसकी बरात रिकॉर्ड कर दी कि तमाम जहन्नुम की आग से आज़ाद होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू वेरी मच।